सरमाएदारी ने जाली सर्टिफिकेट बना रखा साडा स्टूल कास्ट दा कोटा से लुट के ले गए। जेकर अज ओ सारयां दे उपर कारवाई दे ऑर्डर नहीं दिंदा ते आपां जिहड़ा आ पंजाब आंदी कल भी अज दवांगे अते सीएम साहब नूं मिलांगे। जेकर नहीं मिलदा ते पक्का मोर्चा सीएम दी कोठी ते बाल आवांगे। जेकर ऐसी समाज अज एक मैसेज देने वास्ते चंडीगढ़ दे विच आए आ, जेकर इन्हां दी सुनवाई ना होई तो अगला जिहड़ा प्रोग्राम चंडीगढ़ दा आ ओह चंडीगढ़ दे विच कोई पैर रखण लई जगह नहीं मिलेगी। संकेतक प्रोटेस्ट है और इस तो बाद वड्डा प्रोटेस्ट होगा। जो जाली सर्टिफिकेट है जिन्होंने बनाया 3500 के करीब लोग हैं। सत श्री अकाल जी, अनम्यूट देख रहे हो तुसीं, मैं जगजीत सिंह पंजोली। इस वक्त मोहाली के बच्चे एक मार्च जिहड़ा कढ़िया जा रहा है, जाली सर्टिफिकेट से नौकरियां देनियां बंद करो, जाली सर्टिफिकेटा का मामला है। तो जिहड़े जाली सर्टिफिकेटा के उत्ते नौकरियां लईयां गईयां ने उहदे विच एससी कैटागरी का जां होर जिहड़ी घट गिणती हैगा, जिस तरह के भी सर्टिफिकेट जिहड़े ने उह वरते गए ने उहनां नूं लैके एक मार्च जिहड़ा उह कढ़िया जा रहा है। तो नारेबाजी सरकार खिलाफ दे काम कीती जा रही है, गलबात करन दी कोशिश करदे आ। तुहाडा मसला की है? मसला जी रिजर्वेशन का जी, रजिस्ट्रेशन चोर फड़ो जी, साडा मसला जी। स्कूल कार दा मसला जी साडा, चोरां नूं फड़िया जावे, रजिस्ट्रेशन चोरां नूं फड़िया जावे जी, जो कि साडा संविधान का हक आ। सरमाएदारी ने जाली सर्टिफिकेट बना रखा साडा स्कूल कास्ट दा कोटा से लुट के ले गए। घट्टो घट 3000 कर्मचारी जिहड़े लगे हुए सरकारी मुलाजम शड्यूल कास्ट दा जाली सर्टिफिकेट ते कम करी जांदे, सानूं हक दे साडा हक खो लिया गया। सरकार साडी सुरक्षा जी देखो जी, अज जिहड़ा आ आर पार दी लड़ाई आ बई, जिहड़ा रिजर्वेशन ते जिहड़े जाली सर्टिफिकेट बना के साडा हिस्सा खोया इन्हां ने। पहला तो कहते भी एससी समाज जिहड़े माड़े साडे हक खोंदे आ, अज साडे समाज दे सर्टिफिकेट बना के अज साडा खोंदे आ। सो भगवंत मान सरकार नूं अज दा दिन एक्शन लेना चाहिए। जेकर अज ओह सारयां दे उपर कारवाई दे ऑर्डर नहीं दिंदा तो आपां जिहड़ा आ पंजाब आंदी कल भी अज दवांगे अते सीएम साहब नूं मिलांगे। जेकर नहीं मिलदा तो पक्का मोर्चा सीएम दी कोठी ते बाल लावांगे। सरकार तां हुण बणी है पर जिहड़ा मसला तां पिछले कई सालां दा, इह जिहड़े आइडेंटिफाई होए आ ये सारे जड़े आ हुण होए आ, क्योंकि इस समय दे विच सारे जड़े आ। मुख्यमंत्री कह रहे भी 38000 नौकरियां दित्तियां, देखो इहदे विच जज भी आ, आईपीएस अफसर आ, बड़े बड़े अफसर लए आ, उदां तां कहिंदे एससी माड़े आ, अज देख लो। पर 1300 बंदे आइडेंटिफाई होण तों बाद भी भगवंत मान सरकार दे किसे एमएलए दा बयान नहीं आ। साडे 34 एमएलए जिहड़े आ उह गूंगे बोले आ, कोई बोल के राजी नहीं, साडे एमपी बणे कोई हक नहीं, पर अपना हक जिहड़ा आ उह अज लै के जावांगे। अज जिहड़ी लड़ाई उह आखरी लड़ाई होऊंगी। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਰਤੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੜਵਾੜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਤੀ ਨੰਦਨਯੋਗ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਲਵਾੜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਿਤ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ, 1300 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਏ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।
सो तुसीं देखिया कि जिहड़ा जिस तरीके नाल जाली सर्टिफिकेटां दा मसला आया हैगा, जाली सर्टिफिकेट जिहड़े ने उहनां नूं रद्द कराउण दी गल कीती गई है। इन्होंने कहा कि कुछ जिहड़े लोग ने जाली सर्टिफिकेट जिवें कास्ट दा जाली सर्टिफिकेट ला के जॉब लई गई है उन्हां तों तुरंत जिहड़ा बरखास्त किया जाए नौकरी उत्ते, मंग की गई है। क्योंकि दस्सिया कि एक प्रोटेस्ट जिहड़ा संकेतक प्रोटेस्ट इसे मद्देनज़र के जाली सर्टिफिकेट जिहड़े हैगे ने उन्हां दे उत्ते जिहड़े नौकरियां लईयां ने उह नौकरियां तों उन्हां नूं बरखास्त किया जाए। सो ये एससी समाज वल्लों प्रोटेस्ट जिहड़ा है वह किया जा रहा, तो वड्डी गिणती दे विच लोक अज मोहाली दे विच आए। सो हुण सरकार आने वाले समय के इन्हां दी मंगां नूं किस तरीके लैंदी है वह देखना होगा। फिलहाल इन्हां वल्लों अज एक प्रोटेस्ट जिहड़ा मोहाली दे विच किया जा रहा।